बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स। तो हम आइसोमरिज्म के चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जैसा आप जानते हैं। तो उसमें जो मेजर क्लासिफिकेशन थी स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल तो हम पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो केमिस्ट्री भी कहते हैं, 3D केमिस्ट्री भी इसको कहते हैं। इसको तो बुनियादी बातें इसकी, इसमें आज हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे इस लेक्चर में, फिर इसकी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसकी जो टाइप्स हैं उसमें, और फिर उसमें हम सिस्ट्रॉन्स को अल्कीन में डिस्कस करेंगे। तो देखें, आपकी चूंकि आपने नोट्स वगैरह बनाने होंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको पहले इसके डेफिनेशन के बारे में कुछ बता दूं, ताकि हिंट्स पॉइंट्स आप नोट कर लें। देखिए, 3D जो है, द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनिक स्टीरियो केमिस्ट्री वाज लेड डाउन बाय जैकब्स वॉनहोफ एंड जोसेफ एचले लीबेल इन 1874। ऑर्गेनिक स्टीरियो केमिस्ट्री की, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं हो रही, ऑर्गेनिक स्टीरियो केमिस्ट्री की बुनियाद इन्होंने रखी थी। They found that four bonds to carbon were directed towards the corners of tetrahedron। इन्होंने जो बात देखी, उन्होंने कहा कि जो कार्बन है, यानी कार्बन की समझ लें कि टेट्रावेलेंसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने कहा कि कार्बन एटम जो है वो कार्बन टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो यानी यूँ समझ लें कि जैसे ये देखें, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें आप, ब्लैक इसमें कार्बन है, तो कार्बन की चार वैलेंसी हैं, तो टेट्राहेड्रल जिसको टेट्राहेड्रल भी कहते हैं, फोर साइड्स पे कॉर्नर पे, ये CH4 की है, तो चार अतराफ में इसके ऑर्बिटल मौजूद हैं जिन्होंने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये फोर वैलेंसी हो गई। ये चीज़ फर्स्ट टाइम, ठीक है, इन्होंने इसको बेस बनाया है, बताया इसको। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन देखें कि स्टीरियो आइसोमर्स are the isomers that have same molecular formula। देखें, ये same molecular formula बात शुरू से चल रही है, ये बुनियादी condition है, ठीक है, isomers के लिए, वरना isomers नहीं होते। Same molecular formula, same structural। अच्छा, stereo में connectivity जो है ये same होती है, structural formula में ऐसा नहीं होता, क्योंकि structure हम पढ़ चुके हैं। तो स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होने का मतलब यह है कि जो कनेक्टिविटी है बिटवीन एटम्स वो सेम है, सेम कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी बनावट उनकी वही है, तरतीब उनकी वही रहेगी। इसीलिए यही वजह है कि इनका, चूंकि तरतीब एटम की सेम रहती है, इसलिए नॉमन क्लेचर भी इनका सेम होगा, ठीक। इन जनरल मैंने आपको उसमें बताया था कि जो जनरल डेफिनेशन बताई जाती है उसमें तो कहा जाता है कि इनका नॉमन क्लेचर डिफरेंट है, लेकिन स्टीरियो में याद रखें नॉर्मल क्लेचर इनका सेम होता है, क्योंकि कनेक्टिविटी सेम होती है, सेम एटॉमिक ऑर्डर। इसका यूं भी कह सकते हैं कि इनका जो एटॉमिक ऑर्डर है वो सेम रहता है, यानी जैसे ये देखें यहां पे ABCD, अब यहां पे देखें ABCD, अब अरेंजमेंट इनकी डिफरेंट है स्पेस में, बी ठीक ए अबव है, यहां ए बिलो है, तो ये अरेंजमेंट जो है ना इनकी ये डिफरेंट है, लेकिन वही ABCD, यहाँ भी ABCD, तो नंबरिंग तो वही रहेगी। IUPAC में जब हम नंबरिंग करते हैं तो वो सीक्वेंस बेस वही होगा नंबरिंग, तो इसलिए IUPAC नेम सेम रहेगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें। अच्छा, इसमें जो चीज़ डिफरेंट होती है ना वो एक ही है, कि जो एटम्स हैं, जो उसके किसी एटम के साथ कनेक्टेड बॉन्ड्स, जो एटम के साथ कनेक्टेड जो लोन पेयर हैं, या एटम के साथ कनेक्टेड जो एटम्स हैं, या एटम के साथ कनेक्टेड जो ग्रुप्स हैं, उनकी जो फजाई तरतीब है वो बदल जाती है। हम इसको क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, फजा में तरतीब ओरिएंटेशन बदल जाती है। तो ये स्टीरियो आइसोमरिज्म में अब आ जाएं थोड़ा सा, कि ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा फिर रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे। ये एक तो ये है कि इसमें स्टीरियो आइसोमरिज्म में, अगर तो ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं, अराउंड सिंगल बॉन्ड ओपन चेन या आउटसाइड द रिंग भी हो सकता है, ठीक है,
अगर तो है ये रोटेशन होती है या नहीं होती। अगर रोटेशन की वजह से है सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो इनको कहते हैं कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म भी कहते हैं, डायनामिक स्टीरियो आइसोमरिज्म भी कहते हैं। ये नॉन सेपरेबल होते हैं, जैसा कि इसमें ये मैं आपको ये देखें, ये है जैसे। अच्छा अब इसमें देखें, ध्यान से देखें आप कि ये इथेन है। ये देखिए इसमें फ्री, एक को आप फिक्स कर लें, ये देखिए फ्री रोटेशन पॉसिबल है, ये फ्री रोटेशन पॉसिबल है। अच्छा इसके लिए ये नहीं कि यू आप इसको यू घुमाना शुरू कर दें दोनों को, इसका तरीका होता है कि एक को फिक्स कर ले दूसरे को घुमाए, या इसको फिक्स कर ले और इसको रोटेट करें। तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड अगर फ्री रोटेशन से ये देखें, ठीक है डिफरेंट है ना, ये इसके सामने है, अब ये इसके सामने नहीं है, इसके सामने ये इसके सामने एटम मौजूद है, ये इसके सामने अब कोई एटम मौजूद नहीं है यहाँ पे, तो ये डिफरेंट आइसोमर हो जाते हैं। ये हम डिटेल पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस में। तो इस तरह ये कन्फर्मर्स कहलाते हैं, रोटामर्स भी कहते हैं इनको। और अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ठीक है उसमें मतलब ये रोटेट ना करें, फ्री रोटेशन इसमें ना हो, तो फिर इनको हम कहते हैं कॉन्फिग्रेशनल कहते हैं इनको। इसमें मैं आपको ये देखें कि जैसे कि इथीन ले लेते हैं, जिसमें हमने इथीन लिया था, इसमें हम इथीन ले लेते हैं। तो ये देखें, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ठीक है। तो अब इसमें देखें कि इसको अगर आप रोटेट करें, इसको रोटेट करें, इसको आप रोटेट करें, रोटेशन का मतलब होता है 90 डिग्री तक, यानी ये यहाँ पे है तो इसको यहाँ तक ये यहाँ आ जाए, या यूं है तो ये यूं हो जाए। तो ये देखें ये रोटेट नहीं होते, ठीक है ये रोटेट नहीं होते। तो ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड ने लॉक कर दिया फ्री रोटेशन को, ठीक है। तो इस तरह जो आइसोमर बनते हैं, तो ये सिर्फ इसमें नहीं होता, ये साइक्लिक कंपाउंड में भी होता है। जैसे ये साइक्लिक है तो साइक्लिक कंपाउंड में देखिए ये रिंग है, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ही है, तो इसको भी अगर आप रोटेट करें ये नहीं होता, रिंग टूट जाएगा, ज्यादा इसको प्रेस करेंगे रिंग टूट जाएगा। तो ये भी साइक्लिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेट ठीक है लॉक कर देता है फ्री रोटेशन को। तो इससे जो बनते हैं ये क्या होते हैं, ये कॉन्फिग्रेशनल आइसोमरिज्म कहते हैं, जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से ठीक है, जो फ्री रोटेशन से होते हैं वो कन्फर्मेशनल होते हैं। अच्छा इसमें यहाँ से इसको जो कॉन्फिग्रेशनल आइसोमरिज्म की जो आगे टाइप्स हैं इसको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट एक्सप्लेन किया हुआ है, ज़्यादातर एक्सप्लेन जो किया हुआ है वो मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन जो एक्यूरेट है वो भी बता देता हूँ आपको मैं। एक तो ये है कि अगर ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ठीक है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ठीक है ओपन चेन में, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन रिंग में, यानी जैसे इसकी बात हुई थी या जैसे इसकी बात हुई थी, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये ओपन चेन है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है रिंग के अंदर है ठीक है, ये रिंग के अंदर है। तो अब इसमें अगर है तो इसमें देखें कि अगर इस तरह है तो इसको कहते हैं इस ठीक है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इसको क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अगर इस वजह से नहीं है, इस वजह से ये रीजन नहीं है तो फिर इनको क्या कहते हैं ऑप्टिकल कहते हैं ठीक है, या उनको काइरल भी कहते हैं। लेकिन इससे बेहतर जो क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूं कि वो देखिए ये है, यानी जब आप कॉन्फिगरेशन आइसोमरिज्म, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक तो ये है कि इनेंशियोमर्स या डायस्टीरियोमर्स। इनेंशियोमर्स आपको पता है कि ये हम पढ़ चुके हैं, इनको क्या कहते हैं मिरर इमेज भी होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस जो होते हैं कंपाउंड्स,
इनको हम क्या कहते हैं, एनशोमर्स जो नहीं होते बाकी, इसके अलावा वो डायस्टीरोमर्स कहते हैं। तो डायस्टीरोमर्स में फिर आगे थ्री मेजर्स हैं और भी होती हैं, इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, एपिमेरिज्म हो सकता है, एपिमर्स हो सकते हैं, एनोमर्स भी पॉसिबल है। थोड़ी सी मैं आपको इसमें बता दूँ इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें हूँ, बाकी प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री है ना, इट एक्सप्लेन्स 3D एस्पेक्ट्स जो इसको 3D एस्पेक्ट्स जो है ना, ठीक है, उनको ये एक्सप्लेन करती है। तो जैसा कि उसमें डायनामिक भी आ जाते हैं, इसमें स्टैटिक एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं केमिस्ट्री के, विच ग्रेटली इफेक्ट द फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज सब्सटेंसेस के। और इसके अलावा एनर्जेटिक्स को ही एक्सप्लेन करते हैं 3D केमिस्ट्री की वजह से, थर्मोडायनामिक्स को, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स को हम स्टीरियो अगर समझ लें, इसका मतलब यह है कि अगर हम स्टीरियो समझ जाएं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी, उसकी एनर्जेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स ये समझ सकते हैं। और ये चीज़ें डेफिनेटली समझ सकते हैं कि का मतलब ये है कि ये चीज़ें फिर स्टीरियो में अगर स्पेस में स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो ये प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। उसके अलावा ग्रेटली हेल्प्स इन अंडरस्टैंड दी ऑप्टिकल, ठीक है, प्रॉपर्टीज सब्सटेंसेस की, जैसे हम कहते हैं ये डेक्सटर रोटेटरी है, ये लीवर रोटेटरी है। उसके अलावा इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग दी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, बायोकेमिकल रिएक्शन में, स्पेशली जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है उनमें इनका बड़ा रोल होता है। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है, शॉर्ट हो गई, ठीक है। तो कॉन्फिगरेशन आइसोमरिज्म क्या होता है, स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है, होता है डिफरिंग इन कॉन्फिगरेशन, आर का इनकी कॉन्फिगरेशन डिफरेंट होती है, ठीक। तो कॉन्फिगरेशन आइसोमरिज्म कहते हैं, द टर्म कॉन्फिगरेशन मीन्स द फिक्स्ड रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, इन स्पेशल अरेंजमेंट क्या होती है इनकी, डिफरेंट होती है, विद इन ए मॉलिक्यूल ऑफ वेल डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन, इन स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है, इनका क्या रहता है, सेम रहता है। दे कैन बी आइसोलेटेड, या आइसोलेट किया जा सकता है आम टेम्परेचर पर, दे आर इंटरकन्वर्ट भी हो जाते हैं, केमिकल और फिजिकल मेथड हमारे पास हैं, हम इनको इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि बॉन्ड को तोड़ना भी पड़ता है और बॉन्ड बनाने भी पड़ते हैं। अब आ जाए हम इसकी जो मेन है, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, ठीक है। तो इसे ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म भी कहते हैं, सिस्ट्रॉन्स भी कहते हैं इसको, इजी आइसोमरिज्म या इजी नोटेशन भी इसको कहते हैं। तो द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, और तो डिफरेंस कहाँ पे आ गया, इन स्पेशियल अरेंजमेंट, फजा में जो इनकी, ठीक है, तरतीब है वो बदल जाती है, कहाँ पे, ओपन चेन में, अल्कीन में, ऑक्साइन में, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एज अ कंपाउंड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में, ये ओपन चेन में, या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड साइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है, या स्पाइरो कंपाउंड जो बाइफिनाइल हम पढ़ेंगे आगे। ड्यू टू, वजह क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द बॉन्ड, कहाँ तक, 90 डिग्री तक, ठीक है, 90 डिग्री तक अगर उसको आप घुमाएं तो 90 तक वो बॉन्ड्स नहीं रोटेट करता। तो इसको क्या कहते हैं, हम ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कहते हैं, और ये और ये फिनोमिना ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म कहते हैं। ये स्पेस के अंदर जिनकी पोजिशन होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे ये देखें कि ये कंपाउंड है, तो इसमें दोनों ये क्लोरीन के एटम एक तरफ हैं, इसमें दोनों मिथाइल एक तरफ हैं। अब अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर दें, स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज कर दें, ठीक है, ये इस तरह ये अपोजिट आ जाए, मिथाइल भी और क्लोरीन भी, अब फलाई तरतीब बदल गई है इनकी, स्पेशियल अरेंजमेंट क्या हो गई इनकी, बदल गई है। तो ये तरतीब इनकी बदल गई है, तो ये आपस में ये दोनों के ये क्या कहलाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। या साइक्लिक कंपाउंड में देखें तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसको देखें तो ये फर्ज करिए दो ग्रुप हैं, दोनों अबव हैं, एक साइड पे हैं। अब अगर इसको एक अबव है और एक हम बिलो लगा देते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ठीक है,
ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये आइसोमर हैं, ठीक है ये। अच्छा इसमें काजेज जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज समझनी है हमने कि ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म कहाँ पॉसिबल है, उसके लिए क्या क्या चीजें हमने ज़हन में रखनी है, काजेज क्या है, वजूहात क्या है, किन बुनियाद पे या कंडीशन क्या है, ये होगी ये बातें होंगी तो उसमें ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। चार बातें हैं, देयर मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, वही बार बार ठीक है कि रोटेशन इसमें क्या होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, ये रोटेट ना करे, ठीक है ये देखें ये रोटेट ना करे, इसको घुमाए रोटेट ना करे, रोटेट नहीं कर रहा, घुमाए रोटेट नहीं कर रहा, ठीक है। या जैसे देखें इसमें साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग है, ठीक है यहाँ पे, तो ये रोटेशन ना हो, इसको रोटेट करे, घुमाए इसको, रोटेट ना करे, एक तो ये है ठीक है 90 एंगल तक। फ्रोजन भी कहते हैं इसको, रिस्ट्रिक्टेड या फ्रोजन, फ्रीज हो जाए नहीं, वहाँ पर रोटेशन ना हो। देयर मस्ट बी टू डिफरेंट ग्रुप्स, अच्छा दो डिफरेंट ग्रुप होना जरूरी है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है लेकिन ये दोनों सेम है, दोनों हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, तो टू डिफरेंट ग्रुप का होना जरूरी है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम यू कह सकते हैं, ये हमारे पास है, अब दो डिफरेंट ग्रुप आ गए हैं, ठीक है क्या पॉसिबल है, अब नहीं अब भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट होने चाहिए, अब भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि यहाँ ये दो डिफरेंट हों, इसके साथ भी जो डबल बॉन्ड के साथ दोनों आइटम हों, दोनों के पास हो, उन दोनों के पास क्या हों, ठीक है इसके पास भी डिफरेंट हो, इसके पास भी डिफरेंट हों, इसमें पॉसिबल है। क्लोरीन है, मिथाइल ग्रुप है, इधर भी देखें इसके पास क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है, क्लोरीन है, इसमें पॉसिबल है, ठीक होगी। तो इसमें दोनों कंडीशंस पहली क्या हो गई, के रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है इसमें, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, दो डिफरेंट ग्रुप भी अटैच है दोनों कार्बन के पास, देयर मस्ट बी टू डिफरेंट ग्रुप, ठीक। अच्छा डिफरेंट ग्रुप से ज्यादा बेहतर जो वर्ड है रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि जब हम ये एजो कंपाउंड या ऑक्साइन में जाएंगे तो फिर वहां पे ये डिफरेंट ग्रुप्स वाली बात ठीक है ये फेल हो जाती है डेफिनेशन, तो इसलिए बेहतर जो होता है ग्रुप से बेहतर क्या है, रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। थर्ड है द एरियल डिस्टेंस बिटवीन द सेम ग्रुप्स ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर मस्ट बी डिफरेंट, देखिए फजाई एरियल डिस्टेंस जो है ना, फर्ज कर इसका हम देखते हैं, इसको एक को फिक्स कर लेते हैं, इसको इसके इसके साथ ग्रुप के साथ डिस्टेंस और है, ठीक है जो इसके साथ डिस्टेंस है, इसका इसके साथ डिस्टेंस और इसका इसके साथ डिस्टेंस, ठीक है यानी ये अब क्लोरीन टू क्लोरीन और ये क्लोरीन टू मिथाइल, ये अगर हम इनकी स्पेशल पोजीशन बदल दें, इनको ये इसको यहाँ पे लगा दें और इसको यहाँ पे लगा दें, तो इसका इससे डिस्टेंस अगर डिफरेंट है तो फिर ये पॉसिबिलिटी है, जैसा कि ये देखें आप डेफिनेटली देखें कि अब डिस्टेंस चेंज हो गया है, पहले क्लोरीन यहाँ पे था, अब ये ठीक है मिथाइल यहाँ पे था, तो डिस्टेंस चेंज हो गया है, तो अगर डिस्टेंस चेंज हो तो पॉसिबल है, अगर डिस्टेंस ना हो तो फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। ये यहाँ पे भी देखें सेम ये कंडीशन यहाँ पे है, इसको देखें अब इस ग्रुप का इसके साथ डिस्टेंस और है, दोनों इसका इसके साथ डिस्टेंस और है, लेकिन इस फॉर्म में देखें अगर स्पेशियल पोजीशन बदल दें, अब डिस्टेंस देखें, अब डिस्टेंस और है, ठीक है अब ये डिस्टेंस और डिस्टेंस है, यहाँ पे और डिस्टेंस था, ठीक है जब यहाँ पे इसको ग्रुप लगाया हुआ था उसको डिस्टेंस इसका और था, अब और डिस्टेंस है, ये देखें ये डिस्टेंस बदल गया, चेंज हो गया, तो इस वजह से तो एरियल डिस्टेंस जरूर है, ठीक है ये अगर एरियल डिस्टेंस सेम हो तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जैसा कि स्पाइरियन में देखें, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं यहाँ पे देखें ये हम पढ़ेंगे आगे कंपाउंड्स, तो इसमें देखें कि ये स्पाइरो कंपाउंड है, स्पाइरो कंपाउंड में याद रखिएगा कि जो
इवन नंबर वाले रिंग होते हैं ना, उनमें आइसोमरिज्म इसी वजह से पॉसिबल नहीं होता। ये मैं आपको यार बता देता हूँ मैं कि ये ठीक है, ये स्पाइरो कंपाउंड है। अच्छा गौर से देखें कि यहाँ पे ये ग्रुप्स लगे हुए हैं, फर्ज करें इसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, हम इसके साथ ये जो ग्रुप है यहाँ पे, ये ग्रुप है, ये यहाँ पे ग्रुप है, इसकी बात हो रही है, ठीक है, ये ग्रुप जो है ये यहाँ पे, तो इसको हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसके साथ डिस्टेंस। अच्छा, इन दोनों के अगर स्पेशियल पोजीशन हम बदल दें, दोनों के अगर हम ठीक है स्पेस में जो पोजीशन है इसकी और इसकी बदल दें अगर स्पेस में पोजीशन, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो अगर हम इस ये जो ग्रुप हमारे पास है, ये वाला ग्रुप जो है हमारे पास, ये ग्रुप जो है इस ग्रुप का इसके इस ग्रुप के साथ डिस्टेंस और इस ग्रुप का इसके साथ डिस्टेंस सेम है, फजाई तरतीब बदल भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए पॉसिबल नहीं होता स्पाइरल कंपाउंड्स में इवन नंबर वाले रिंग में, ठीक है। तो ये हम उस वहां डिटेल मैं बताऊंगा आपको। तो एरियल डिस्टेंस जो है ठीक है, ये भी डिफरेंट होना चाहिए, और लास्ट जाहिर है कि पोजीशन जब ग्रुप की डिफरेंट होती है तो उसकी एनर्जेटिक्स भी डिफरेंट होती है, तो एनर्जी कॉन्टेंट जो है वो भी डिफरेंट होने जरूरी है। अब आ जाए इसमें टाइप्स में, हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सिस्ट्रॉस है, ये सिस्ट्रॉस ठीक है, और इजी भी है, और सिन एंटी भी है, एंटाई भी पढ़ते हैं आइसोमरिज्म, ये सिन और एंटाई ज्यादातर हेटो सिस्टम में होते हैं, जैसे एंजाइम है, एजो है, अदर देन कार्बन हूँ, कोई एटम आ जाए तो उसमें हम फिर सिन और एंटी का कंसेप्ट ठीक है इस्तेमाल करते हैं, हम पढ़ेंगे आगे इसकी डिटेल। तो पहले हम आ जाते हैं, पहली टाइप हमारे पास क्या है, सिस्ट्रॉस आइसोमरिज्म की है। तो जो लव्ज सिस है, लैटिन वर्ड है, तो मीनिंग ऑन द सेम साइड, व्हेन टू आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द ठीक है मॉलिक्यूल्स एट एन एंगल 90 होते हैं, 90 के एंगल पे होते हैं, तो इनको हम कहते हैं सिस कहते हैं। जैसा कि इसमें देखें कि ये दोनों यहाँ पे देखें, ये अल्कीन है, ये दोनों डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, क्लोरीन दोनों एक तरफ हैं और दोनों मिथाइल एक तरफ हैं, सेम साइड में हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस कहेंगे, ठीक है। और इसी तरह ये दोनों ग्रुप साइक्लिक कंपाउंड में देखें, अगर हम साइक्लिक कंपाउंड में ये दोनों ग्रुप जो हैं ये अबव हैं, सेम साइड पे हैं, ठीक है, ये सेम साइड पे हैं, अबव हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये सिस कहलाएंगे। और अगर 180 पे आ जाएं, एक क्रॉस आ जाए ग्रुप, यानी अपोजिट आ जाए, तो ये ट्रांस कहलाते हैं, जैसे ये ठीक है, ये 180 पे आ गया अभी ग्रुप, 180 पे ठीक है, ये 180 पे आ गया साइक्लिक कंपाउंड में, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये देखें ये ग्रुप, अब ये देखें कि ये दोनों 180 पे आ गए हैं, ठीक है, ये 180 पे हैं, अक्रॉस आ गए, अपोजिट आ गए हैं, ये दोनों मिथाइल भी 180 पे आ गए हैं, क्रॉस आ गए, अपोजिट आ गए, ये ट्रांस है। तो ये भी ट्रांस भी लैटिन वर्ड है, जिसके मतलब क्रॉस है, व्हेन टू आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द मालिक्यूल, यानी 180 एंगल पे हम इनको क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। तो सबसे पहले आ जाएं अल्कीन में, देखते हैं हम, रूल वन है कि आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, वही बात दोबारा, ठीक है, अगर सेम साइड पे सिस है, अपोजिट साइड पे ट्रांस है, जैसे इसमें देखें ये दोनों मिथाइल एक तरफ हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, हम ये दोनों मिथाइल ठीक है एक तरफ हैं, ये सिस है, और यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन एक तरफ हैं, यहाँ पे दोनों
ये 180 पे हैं, ठीक है, ये 180 पे है, अपोजिट हैं, क्रॉस हैं, हाइड्रोजन भी अपोजिट हैं, क्रॉस हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, टू डिफरेंट ग्रुप्स भी हैं, एरियल डिस्टेंस भी क्या है, डिफरेंट है, तीन बुनियादी एनर्जी कॉन्टेंट तो वैसे डिफरेंट होते हैं, तो तीन मेन चीज़ें फॉलो देख लिया करें, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, टू डिफरेंट ग्रुप्स और एरियल डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। तो ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया, ये सिस्टोब्यूटीन है, ये ट्रांसटोब्यूटीन है। इसी तरह इसमें देखें कि ये हमारे पास मैलिक एसिड है, ये फ्यूमेरिक एसिड है, इसमें दोनों कार्बन ग्रुप सेम साइड पे हैं, दोनों ग्रुप एक इस कार्बन साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, इस कार्बन दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, इस कार्बन साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर इनकी डिफरेंट हो गई है, कनेक्टिविटी सेम है इनकी, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, एरियल डिस्टेंस हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है, ये देखें हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, ये कार्बन ग्रुप टू कार्बन, तो ये भी डिफरेंट है, ये सिस है, ये ट्रांसफार्म है, इसको मैलिक एसिड कहते हैं, ये फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं इसको। इसी तरह रूल टू है कि इफ डिफरेंट ग्रुप्स लेकिन उन ताल्लुक एक ही क्लास से, एक ही फैमिली से हो, जैसा कि यहाँ पे ये ब्रोमीन क्लोरीन एक ही फैमिली है, और ये अगर दोनों सेम साइड पे हैं इसको सिस कहेंगे, दोनों क्रॉस में आ गए तो ये ट्रांसफार्म कहलाएगी सिस वन ब्रोमो, ठीक है, टू क्लोरो प्रोपीन है, ये ट्रांस वन ब्रोमो टू क्लोरो प्रोपीन है, ये सेकंड इसमें। थर्ड में ये है कि अगर ग्रुप डिफरेंट हो गए हैं, दो से ज़्यादा डिफरेंस आ गए हैं, ठीक है, इफ ऑल ग्रुप्स जिन तकरीबन सारे डिफरेंट है, एक दो तीन चारों के चारों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तो फिर हम ये रूल थ्री दिया गया था, लेकिन ये अमेंडमेंट इसमें बाद में कर दी गई थी, ये वैलिड नहीं है, बाद में ये सीक्वेंस में दिए गए थे, बाद में इसमें अमेंडमेंट की गई थी कि जी आप विद रिस्पेक्ट टू किसी एक को रेफरेंस बना लें, जैसे यहाँ पे आयोडीन है, इसको रेफरेंस बना लें, इसके लिहाज से आप अब फर्ज करें, इस रेफरेंस के लिहाज से अगर आप क्लोरीन को देखना चाहते हैं तो क्लोरीन चूंकि आयोडीन सेम साइड पे है, लिहाजा स्ट्रक्चर क्या होगी, सिस होगी, अगर इसको इसके लिहाज से देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये दोनों क्रॉस हैं, तो फिर स्ट्रक्चर क्या होगी, ट्रांस होगी। जैसा कि अगर वन क्लोरो सिस लिख दिया है, ठीक है, पहले उस चीज़ को लिखेंगे, पहले उस चीज़ को लिखेंगे जिसको आयोडीन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो हम क्लोरीन को कंपेयर कर रहे हैं, तो क्लोरीन और आयोडीन दोनों सेम साइड पे हैं, तो सिस लिखेंगे, सिस वन क्लोरो टू आयोडो ब्रोमो इथीन, अगर इसको देख रहे हैं तो ट्रांस, ये इसका अपोजिट है। लेकिन इसमें देखें प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे देखें कि ये वन क्लोरो या वन ब्रोमो है, एक बुनियादी शर्त हमने पढ़े थे कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो भी मैंने डेफिनेशन बताया था सेम होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसी लिहाज से इसमें ये इसी बुनियाद पे अमेंडमेंट की गई थी, ठीक है। अमेंडमेंट क्या की गई थी कि जिसको आप नॉमेनक्लेचर चेंज नहीं करना, आपने जिसको उसके लिहाज से कंपेयर करना है स्टैंडर्ड लेके, उसको आप इटैलिक्स में लिख देंगे, ठीक है, यानी यही कंपाउंड है, यहाँ पे देखें ये सेम, यहाँ पे ये कंपाउंड है सेम, तो इसमें देखें कि ये वन ब्रोमो अल्फाबेटिकली हमने बी को पहले लिखा है, यहाँ पे वन टू, तो ये इसको नंबरिंग वन देंगे, इसको टू देंगे, तो वन पे ब्रोमो है और वन पे ही क्लोरो है, वन ब्रोमो वन क्लोरो। अब यहां पे देखें हमने क्लोरो को इटैलिक्स कर दिया है, क्यों इटैलिक्स कर दिया है, इधर देखें हमने सिस लिखा है, यानी इसका मतलब यह है कि क्लोरीन और आयोडीन दोनों सेम साइड पे हैं, दोनों सेम साइड पे हैं, तो इसलिए सिस स्ट्रक्चर होगी, तो हमने क्लोरो को इटैलिक्स कर दिया है, बाकी टू आयोडो इथाइलीन या इथीन, यहां भी देखें नाम वही है, वन ब्रोमो वन क्लोरो टू आयोडो, ठीक है, इथाइलीन है, लेकिन यहां पे हमने ब्रोमो को इटैलिक्स किया है। अब ब्रोमीन जाहिर है आयोडीन के लिहाज से क्या है, अपोजिट है, तो ट्रांस, तो इसलिए हमने शुरू में क्या लिख दिया है, ट्रांस लिख दिया है, ठीक है, तो जिस
यहाँ पे नाम आयुक्त नेम चेंज ही करना, तो आपने जिसको आर्डिन या रेफरेंस के लिहाज से एक्सप्लेन करना है आप उसको इटैलिक्स में लिख देंगे। ये एक सिंपल तरीका है, ठीक है। तो यहाँ तक तो है, ये साइक अपना अल्कीन तक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इसके जो आगे साइक्लोअल्कीन या साइक्लोअल्कीन या स्पायरो कंपाउंड वगैरह है उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक इसकी ठीक है बेसिक्स आप तैयार करें। अस्सलाम वालेकुम।